बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैप्टर नंबर 8, मैथमेटिकल इंडक्शन एंड बायनोमियल थ्योरम, और उसकी लास्ट एक्सरसाइज 8.3 हमने स्टार्ट की हुई है। पिछले लेक्चर में हमने पहले दो क्वेश्चंस इसके सॉल्व किए हैं, उसके कुछ पार्ट्स हमने सॉल्व किए थे। अब हम इस लेक्चर में नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है फाइंड द कोफिशेंट ऑफ एक्स पावर एन। ठीक है, यानी कि एक्स पावर एन का हमने कोफिशेंट फाइंड करना है। एक्सपेंशन में हमें 5 पार्ट्स इसके गिवन हैं। पहला पार्ट मैं सॉल्व करता हूँ। पहला पार्ट है 1 + x² / 1 + x² 2। ठीक है, तो इसकी एक्सपेंशन में हमने एक्स पावर एन का कोएफिशिएंट फाइंड करना है। यानी कि ऐसी टर्म इसकी एक्सपेंशन में आएगी जिसमें एक्स पावर एन होगा और उसका कोएफिशिएंट क्या होगा वो हमने फाइंड करना है। ठीक है, उसके लिए हमें सबसे पहले तो एक्सपेंशन देखनी है कि एक्सपेंशन इसकी क्या है, एक्सपेंड करके। ठीक है, उसके बाद हम उसमें से एक्स पावर एन वाली टर्म ढूंढेंगे और उसका कोएफिशिएंट जो होगा वो हम कहेंगे ये कोएफिशिएंट है एक्स पावर एन का। चले, इसको सबसे पहले तो हम एक्सपेंड करेंगे। उसके लिए मैं ऐसा करता हूँ कि 1 + x² / 1 + x² किसके इक्वल होगा, 1 + x² × 1 + x² अगर इसको मैं न्यूमरेटर में ले आऊँ यानी कि ऊपर ले आऊँ तो ये बन जाएगा 1 + x² था नीचे। ठीक है, और ऊपर आके पावर नेगेटिव हो जाएगी यानी कि -2 बन जाएगी। अब इसकी तो पावर 1 है, इसको तो एक्सपेंड करने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, तो इसकी पावर जो है -2 है यानी कि नेगेटिव है, तो इसको हम एक्सपेंड करेंगे। चलें एक्सपेंड करते हैं, 1 + x² उसी तरह से आ जाएगा और साथ में उसकी एक्सपेंशन (1 + x)² - 2 इसकी एक्सपेंशन यहाँ पर करेंगे हम। ठीक है, तो आपको पता है कि किसके इक्वल है, 1 + nx, n इस केस में -2 है, -2 × x + n × n-1। ठीक है, n × n-1 / 2 (factorial) × x² + n × n-1 / n-2 (3)/(3)), और साथ में (x³) + 1। ये इसकी एक्सपेंशन बनती है और इसको आगे हम मज़ीद सॉल्व करेंगे। आगे किस तरह सॉल्व कर सकते हैं कि जो टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं या जिनका फैक्टोरियल है वो फाइंड आउट कर लें हम। ठीक है, तो 1 ये बन गया, ये -2x हो जाएगा क्योंकि इसके ब्रैकेट के अंदर माइनस है और बाहर प्लस है, तो ये आपस में माइनस प्लस मल्टीप्लाई हो रहा है तो माइनस आ जाएगा, 1 - 2x हो गया। उसके बाद +3 × 2 ये 6 बन जाता है, 6 / 2 (2)/2 होता है, तो ये 3 बन जाएगा, 3x². ठीक है, उसके अलावा आप नेक्स्ट टर्म देखें, आप -2 मल्टीप्लाई हो रहा है 3 से, फिर 4 -4 से, ठीक है, (3)/3, 3 × 6 होता है, तो यानी कि ये इक्वल आ जाएगा -1³ × 4x³। ठीक है, एंड +1, ये सारी टर्म्स बन जाती हैं। तो ये भी हम इसको माइनस लिख सकते हैं, यहाँ पर मैं इसको ऐसा करता हूँ, इसको माइनस कर देता हूँ -1³ क्योंकि माइनस होता है। तो मतलब हमारे पास जो फाइनल सिंप्लीफाइड फॉर्म आ चुकी है 1 - 2x + 3x² - 4x³ + so on, ये पूरी सीरीज बन गई है। अब इसमें से क्या आपको कहीं पे x पावर n नज़र आ रहा है, नहीं। ठीक है, उसके लिए हम इसको मज़ीद एक्सपेंड करेंगे, मतलब कि आगे जो मैंने सो ऑन किया हुआ ना उसको हम देखते हैं कि कौन कौन सी यानी कि वैल्यू टर्म्स आ सकती हैं वहाँ पे। तो ये बन गया 1 - 2x + 3x² - 4x³ + so on अप टू जो है, बीच में कहीं पे n-2 वाली टर्म भी आएगी। ठीक है,
ठीक है, यानी कि माइनस वन पावर एन माइनस टू, ये इस तरह से है ना, माइनस वन पावर एन माइनस टू इंटू एन माइनस वन, और साथ में एक्स पावर एन माइनस टू, ठीक है। ये एन माइनस टू वाली टर्म इस तरह से आ जाएगी, ये माइनस वन पावर एन माइनस टू कहाँ से आया, यहाँ से, जिस तरह से मैंने लिखा था माइनस वन पावर थ्री था तो ये क्यूब, ठीक है, एक्स की पावर थ्री थी तो यहाँ पर भी माइनस वन की पावर थ्री। अब यहाँ पर एक्स पावर मैंने माइनस टू एन माइनस टू वाली मैंने टर्म लिखी है तो माइनस वन की पावर भी एन माइनस टू होगी, ठीक है। तो यहाँ पर इसको मैं साथ में लेकर चल रहा हूँ, तो आगे माइनस वन पावर एन माइनस टू इंटू एन माइनस वन और साथ में एक्स पावर एन माइनस टू। इसी तरह से नेक्स्ट टर्म क्या हो सकती है, नेक्स्ट टर्म हो सकती है माइनस वन पावर एन माइनस वन, ठीक है, मतलब कि एक्स की पावर में इंक्रीमेंट होता जा रहा है ना, तो इसी तरह से इसमें एन प्लस वन, एन माइनस टू प्लस वन करेंगे तो एन माइनस वन आता है इंटू, अब यहाँ पर क्या आएगा एन, ठीक है, एन माइनस वन आया, उससे नेक्स्ट जो एन प्लस वन आ जाएगा, एन माइनस वन प्लस वन तो एन ही बनता है ना वो, इंटू एन और साथ में एक्स पावर क्या हो जाएगी जो माइनस वन की पावर है एन माइनस वन, क्योंकि नेक्स्ट टर्म है, उससे नेक्स्ट टर्म क्या बनेगी माइनस वन पावर एन, और ये क्या बनेगा एन प्लस वन, और साथ में एक्स पावर क्या आ जाएगी एक्स पावर भी एन आएगी। लेकिन यहाँ पर ये लास्ट टर्म नहीं है, इससे आगे भी टर्म्स है, पूरी सीरीज है, इन्फिनिटी तक जाती है, ठीक है, इसलिए आगे प्लस ऑन कर दिया मैंने, मतलब कि इस इन टर्म्स को मैंने लिखा जो कि पहले हम नहीं लिखते थे, अब मैंने इसको लिखा क्योंकि अब हमें ज़रूरत है एक्स पावर एन का कोफिशिएंट फाइंड करना है हमने, इसलिए मैंने ये लिखे हैं, ठीक है, क्योंकि बीच में कहीं ना कहीं तो ये टर्म्स आएंगी ना जिसमें एक्स पावर एन कुछ भी हो सकता है, यानी कि जनरल मैंने लिख दी है कि एक्स पावर एन है। अच्छा, अब क्या है कि हमने यहाँ से देखना है कि हमारे पास एक्स पावर एन कहाँ बनता है, एक तो ये आपको नज़र आ रहा है, लेकिन साथ में आप देखें तो वन प्लस एक्स स्क्वेयर जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा है, अभी हम कंफर्म नहीं कह सकते ये एक्स पावर एन वाली टर्म है, इस अलहदा से इस एक्सपेंशन की तो है, लेकिन उसके साथ वन प्लस एक्स स्क्वेयर भी तो मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो ओवरऑल हमारे पास जो है हमने पूरी एक्सप्रेशन, यानी कि इस पूरी एक्सप्रेशन वन प्लस एक्स स्क्वेयर डिवाइड बाई वन प्लस एक्स स्क्वेयर एक्स का होल स्क्वेयर, इसमें से हमने देखना है, इसकी पूरी एक्सपेंशन में हमने देखना है कि एक्स पावर एन की टर्म कहाँ आती है, उसका फिर हम कोफिशिएंट देखेंगे। चलिए उसके लिए हम क्या करेंगे कि इसको मल्टीप्लाई करेंगे वन प्लस एक्स स्क्वेयर को, अब इनके साथ तो मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि आप मल्टीप्लाई करके भी देख लें तो आपके पास एक्स पावर एन नहीं आएगा, ठीक है, इसके साथ एक्स स्क्वेयर मल्टीप्लाई करें तो एक्स क्यूब बन जाएगा, इसके साथ करेंगे तो एक्स पावर फाइव बन जाएगी, ठीक है, इसलिए इनके साथ मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। अब हम किसके साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं, देखें अगर मैं इनके साथ मल्टीप्लाई करूँ तो क्या हमारे पास रिजल्ट आता है, और इसके साथ क्या रिजल्ट आता है, इसके साथ क्या रिजल्ट आता है, तो ये हम ऐसा करते हैं कि इनके साथ सिर्फ मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं, यानी कि इस टर्म के साथ मैं अगर मल्टीप्लाई करूँ वन प्लस एक्स स्क्वेयर इंटू माइनस वन पावर एन माइनस टू इंटू एन माइनस वन इंटू एक्स पावर एन माइनस टू, अब इनको हम आपस में मल्टीप्लाई करके देखते हैं, एक तो है कि वन इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको मैं इस तरह से लिख देता हूँ, तो वन मल्टीप्लाई होगा तो क्या बनेगा, ये इसी तरह से आ जाएगा माइनस वन पावर एन माइनस टू इंटू एन माइनस वन इंटू एक्स पावर एन माइनस टू, उसके बाद प्लस आएगा और फिर एक्स स्क्वेयर मल्टीप्लाई हो, क्योंकि ये वन भी इनके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, एक्स स्क्वेयर भी मल्टीप्लाई हो रहा है, पहले मैंने वन को मल्टीप्लाई किया ये आ गया, अब मैं एक्स स्क्वेयर को मल्टीप्लाई करता हूँ तो देखते हैं क्या आता है, एक्स स्क्वेयर इंटू माइनस वन पावर एन माइनस टू इंटू एन माइनस वन इंटू एक्स पावर एन माइनस टू। अच्छा, अब ये तो और मज़ीद चेंज नहीं हो सकता, मतलब कि इसका फ़ायदा नहीं है, ये टर्म तो नहीं होगी, ये दो टर्म्स इससे बन रही है ना, वन प्लस एक्स स्क्वेयर को अगर हम एक इसकी टर्म से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास दो टर्म्स आ रही हैं, ये तो एक्स पावर एन हो नहीं सकता। अब इसमें से हम देखते हैं कि एक्स पावर एन बनता है या नहीं, तो एक्स स्क्वेयर इंटू
माइनस वन पावर, अब इसको हम माइनस वन पावर एन लिख सकते हैं और माइनस टू भी है ना, तो माइनस वन पावर टू नीचे आ जाएगा। या फिर हम और मज़ीद आसानी से कर लेते हैं कि किसी को कोई कन्फ्यूजन ना हो, माइनस वन पावर एन इंटू माइनस वन पावर माइनस टू इस तरह लिख सकते हैं ना इसको दो। अब इसको आप आपस में मल्टीप्लाई करें क्योंकि बेस सेम है, तो मल्टीप्लाई करें तो एन माइनस टू ही बनता है, इसलिए मैंने उस तरह लिखा था। ठीक है, तो इसको मैं डायरेक्टली फिर नीचे भी ले जा सकता हूँ अगर मैं पावर पॉजिटिव करना चाह रहा हूँ। तो इसको हम ऐसा करते हैं, नीचे ले जाते हैं, डिवाइडेड बाय माइनस वन पावर टू बन जाएगा ये। ठीक है, तो ये मैं साइन ख़त्म कर दूँ इससे भी कन्फ्यूजन ना हो, तो ये बन गया, इसको मैंने लिखा माइनस वन पावर एन माइनस टू को। अब हम ऐसे करते हैं कि आगे क्या है, एन माइनस वन है, चलें ये एन माइनस वन बन जाएगा, और साथ में क्या है, एक्स पावर एन इंटू एक्स पावर माइनस टू, इसको भी तो मैं लिख सकता हूँ ना ऐसे, एक्स पावर एन इंटू एक्स पावर माइनस टू। और इसी को, इसको इसकी पावर को मैं अगर पॉजिटिव बनाना चाहूँ तो ये डिनोमिनेटर में चला जाएगा, तो इसको हम डिनोमिनेटर में ले जाते हैं एक्स पावर टू। अब हमने देखना है कि क्या सिंप्लीफाई होकर क्या बनेगा, एक्स स्क्वेयर से कैंसिल, और हमारे पास रिजल्ट में क्या आया, माइनस वन, और ये डिनोमिनेटर में माइनस वन का स्क्वायर है, ये पॉजिटिव हो जाएगा यानी कि प्लस वन आ जाएगा, इसके फिर नीचे लिखने की ज़रूरत नहीं है। और माइनस वन इंटू एन माइनस वन इंटू एक्स पावर एन, यानी कि हमारे पास वो टर्म आ गई है जो जिसमें एक्स पावर एन आ रहा है। ठीक है, एक टर्म तो हमने फाइंड कर ली। अब इसके अलावा आप देखें तो एक टर्म ये भी तो मौजूद है ना, एक्स पावर एन इसमें आ रहा है क्या, इसके साथ हम मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं तो क्या बता, इसके भी हमारे पास आ जाए, चलिए मल्टीप्लाई करके देखते हैं, वन प्लस एक्स स्क्वायर इंटू, ये वन प्लस एक्स स्क्वायर हर एक टर्म से मल्टीप्लाई हो रहा है, इसलिए मैं अलग अलग मल्टीप्लाई करके देख रहा हूँ। ठीक है, आप हर एक से मल्टीप्लाई करके भी देख सकते हैं, वन से करें क्या एक्स पावर एन आता है, नहीं टू माइनस टू एक्स से करें क्या एक्स पावर एन आता है या नहीं, थ्री एक्स स्क्वायर से करें क्या एक्स पावर एन आता है या नहीं। ठीक है, यानी कि हर एक टर्म से करके देख सकते हैं। अब मुझे तो यहाँ से साफ नज़र आ रहा है कि इसको इसके साथ मैं मल्टीप्लाई करूँ एक्स स्क्वायर को, क्योंकि एन माइनस टू है तो ये हो सकता है एक्स पावर एन बने, तो वो बन भी गया। ठीक है, इसके अलावा मुझे ये भी नज़र आ रहा है कि एक्स पावर एन इसमें मौजूद है, इसमें वन मौजूद है, तो वन के साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स पावर एन डेफिनेटली आएगा हमारे पास। ठीक है, तो मैं आपको बता भी देता हूँ किस तरह से आ रहा है, ये वाली टर्म मैं लिख रहा हूँ, माइनस वन पावर एन है, माइनस वन पावर एन इंटू एन प्लस वन इंटू एक्स पावर एन। ठीक है, तो अब इसको हम मल्टीप्लाई करके देखते हैं, वन से पहले मल्टीप्लाई करते हैं तो ये बन जाएगा माइनस वन पावर एन इंटू एन प्लस वन इंटू एक्स पावर एन। ठीक है, उसके बाद प्लस एक्स स्क्वायर इंटू माइनस वन पावर एन इंटू एन प्लस वन इंटू एक्स पावर एन, तो ये तो एक्स पावर एन प्लस टू ये वाली टर्म बन जाएगी ना, तो माइनस वन पावर एन इंटू एन प्लस वन इंटू एक्स पावर एन प्लस एक्स स्क्वायर, बल्कि हम इसको एक्स को आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं, माइनस वन पावर एन इंटू एन प्लस वन इंटू एक्स पावर एन प्लस टू। ये तो नहीं बन रहा एक्स पावर एन वाली टर्म, ठीक है, एक्स पावर एन वाली टर्म ये बन रही है, ये टर्म बन रही है, एक हमारे पास ऊपर ये आई टर्म एक्स पावर एन वाली, एक ये आई, आप बाकी भी मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं, कोई और टर्म आपके पास एक्स पावर एन वाली नहीं आएगी इसमें, इसकी एक्सपेंशन में। ठीक है, तो हमारे पास दो टर्म्स आ चुकी हैं, एक तो है, मैं अलहदा लिख देता हूँ, माइनस वन इंटू एन माइनस वन, माइनस वन की पावर क्या है यहाँ पे, माइनस वन की पावर एन है, माइनस वन पावर एन इंटू एन माइनस वन इंटू एक्स पावर एन, और दूसरी टर्म कौन सी आई है, एंड माइनस वन पावर एन इंटू एन प्लस वन इंटू एक्स पावर एन। ठीक है, तो ये हमारे पास दो जो है वो टर्म्स ऐसी आई हैं जिसमें एक्स पावर एन आ रहा है, तो हमने इनका कॉफिशेंट फाइंड करना था, तो कॉफिशेंट आप देख लें,
ये आ रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा आप देखें कि हर एक टर्म जो है वो आपस में प्लस ऐड हो रही है, ठीक है। तो इन दोनों को भी हम ऐड करेंगे, माइनस वन पावर एन इंटू एन माइनस वन इंटू एक्स पावर एन प्लस माइनस वन पावर एन इंटू एन प्लस वन इंटू एक्स पावर एन। अच्छा, अब इनको ऐड किस तरह से हम करेंगे देखते हैं कि इन दोनों में हमारे पास कॉमन क्या आ रहा है। एक तो माइनस वन पावर एन कॉमन आ रहा है, ठीक है। तो एक्स पावर एन तो अब हम ख़त्म कर देते हैं ना, क्योंकि हमने सिर्फ कॉफिशेंट्स लिखने हैं। चलें हम लिख लेते हैं एक्स पावर एन भी साथ में, एक्स पावर एन चलें यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, ठीक है। और क्या है अंदर ब्रैकेट में क्या बचेगा, एन माइनस वन प्लस एन प्लस वन। तो एक्स पावर एन इंटू माइनस वन पावर एन, तो ये बनेगा एन, वन वन से कैंसिल आउट और टू एन, मतलब कि हमारे पास फाइनल टर्म क्या बनी, माइनस वन पावर एन इंटू टू एन इंटू एक्स पावर एन। ये है एक्स पावर एन वाला कॉफिश यानी कि टर्म, उसका कॉफिशियंट क्या है, ये जो मैंने अंडरलाइन किया है ग्रीन कलर से, ठीक है। यानी कि माइनस वन पावर एन इंटू टू एन जो है वो रिक्वायर्ड कॉफिशियंट है हमारा, जो इस क्वेश्चन में हमें पूछा गया था कि एक्स पावर एन वाली टर्म का कॉफिशियंट आप फाइंड करें। तो यहाँ पर हमने ये फाइंड कर लिया, ठीक है। तो इसी तरह से बाकी जो पार्ट्स आपको गिवन हैं उसमें से भी आप इस तरह से देख सकते हैं कि एक्स पावर एन वाली टर्म कौन सी है, और उसके बाद फिर आप उसका कॉफिशियंट फाइंड कर लेंगे। फाइंड के करना, बल्कि जब टर्म आ जाएगी तो आपके पास कॉफिशियंट तो साथ में आ ही रहा होगा, ठीक है। तो आप डायरेक्टली कह देंगे ये वो कोफिशिएंट है जो हमें इस क्वेश्चन में पूछा गया है या जो रिक्वायर्ड था। अच्छा, ये था क्वेश्चन नंबर थ्री। इसके बाकी पार्ट्स मैं स्किप कर रहा हूँ क्योंकि वो आप खुद से ट्राई करेंगे, मेथड मैंने आपको बता दिया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर है फोर। क्वेश्चन नंबर फोर है, इफ एक्स इज सो स्मॉल यानी कि एक्स की वैल्यू बहुत छोटी है, बहुत कम है, दैट इतनी कम है कि दैट इट्स स्क्वायर एंड हायर पावर्स कैन बी निगलेक्टेड। इसका मतलब क्या है कि हमारे पास जो है एक्स की वैल्यू इतनी कम है, एक्स की वैल्यू इतनी कम है कि उसका स्क्वायर हो या फिर उसकी हायर पावर्स यानी कि 2n या 2 प्लस एन, ठीक है। हायर पावर्स 2 से हायर कितनी होती हैं, 2 प्लस एन ही होते हैं ना। एन हम कोई भी वैल्यू ले सकते हैं रियल नंबर्स में से या इंटीजर्स में से, ठीक है। तो ये है एक्स की पावर 2 और एक्स की पावर 2 प्लस एन, यानी कि स्क्वायर एंड हायर पावर्स कैन बी निगलेक्टेड, यानी कि इसको निगलेक्ट किया जा सकता है। तो हमने शो क्या करना है, देन शो दैट, इसके भी कुछ पार्ट्स हैं, मैं एक ही पार्ट इसमें से सॉल्व करूंगा क्योंकि बहुत इजी क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो मेथड आपको मैंने सिर्फ समझाना है यहाँ पर। तो देन शो दैट वन माइनस एक्स डिवाइडेड बाय वन प्लस एक्स का स्क्वायर रूट इज इक्वल या कॉन्ग्रेंट टू वन माइनस थ्री बाय टू का स्क्वायर, अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू दिस, ठीक है। तो जो चीज़ हमें गिवन है वो हमने माइंड में रखनी है कि स्क्वायर, एक्स का स्क्वायर या फिर उसका हायर पावर जो है कैन बी निगलेक्टेड, वो निगलेक्ट की जा सकती हैं। तो हमारे पास हमने ये शो करना है, चले हम शो करते हैं इसकी एक्सपेंशन करके, इसको हम एक्सपेंड करते हैं सबसे पहले। तो 1 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स का स्क्वायर रूट, इसको हम लिख सकते हैं इक्वल 1 माइनस एक्स के इनटू 1 प्लस एक्स की पावर 1 बाय 2 के, बल्कि हाँ इसको हमने ऊपर लेके आया है तो ये माइनस पावर माइनस हो जाएगी, माइनस 1 बाय 2 बनेगी, ठीक है। तो अब इसको हम जो है इसको एक्सपेंड करते हैं, क्योंकि पावर नेगेटिव है तो बायनोमियल सीरीज यूज़ होगी। तो ये बन जाएगा 1 प्लस एन एक्स, एन क्या है यहाँ पे इस केस में, माइनस 1 बाई टू, माइनस 1 बाई टू इंटू एक्स, एक्स यहाँ पर एक्स ही है, ठीक है। 1 प्लस एन एक्स प्लस एन
इंटू एन माइनस वन, माइनस वन बाय टू माइनस वन, ठीक है, डिवाइडेड बाय टू फैक्टोरियल हो जाएगा और साथ में एक्स स्क्वेयर प्लस वन, इसी तरह से ही आगे चलता जाएगा। अच्छा, अब इसको तो हमने एक्सपेंड कर दिया। अब यहाँ से हमने देखना यह है कि हमें कहा क्या गया था कि हमें एक्स स्क्वेयर जो है उसकी इतनी वैल्यू कम हो जाती है कि हम उसको निगलेक्ट कर सकते हैं, निगलेक्ट कर सकते हैं, तो इस वाली वैल्यू की ज़रूरत ही नहीं है। और उसके हायर वैल्यूज, अगली जो वैल्यूज आएंगी उसमें तो एक्स स्क्वेयर से ज़्यादा ही पावर होगी, क्यूब होगी, एक्स पावर फोर होगी, ठीक है, इस तरह से आगे, मतलब कि वो भी हम निगलेक्ट कर देंगे। तो बाकी हमारे पास क्या टर्म्स बची हैं, वन माइनस एक्स इंटू वन प्लस, बल्कि माइनस वन बाई टू, इसको डायरेक्ट मैं लिख भी देता हूँ, माइनस वन बाई टू एक्स, ठीक है, ये वाली तो ख़त्म होगी और हमारे पास बाकी ये टर्म्स बची हैं। तो इसको आपस में आप मल्टीप्लाई कर लें इन दोनों टर्म्स को, तो ये बन जाती है वन माइनस थ्री बाई टू एक्स के इक्वल। किस तरह से, अब इसको मल्टीप्लाई मैं आपको करके बता देता हूँ। वन से मल्टीप्लाई करेंगे तो वन माइनस वन बाई टू एक्स बन गया, एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस एक्स प्लस वन बाई टू एक्स स्क्वेयर, ठीक है। तो अब यहाँ से आप देखें, ये तो वन वन नहीं आएगा, ये माइनस वन बाई टू माइनस वन माइनस थ्री बाई टू होता है, माइनस थ्री बाई टू एक्स हो गया। लेकिन अब नेक्स्ट टर्म जो है उसमें भी एक्स स्क्वेयर आ रहा है, तो इसको भी हम निगलेक्ट करेंगे क्योंकि एक्स स्क्वेयर की वैल्यू इतनी कम हो जाती है कि वो निगलेक्ट करने के काबिल है, हमें ये क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है। तो ये इक्वल आ गया वन माइनस थ्री बाई टू एक्स के, क्या इक्वल आया है, वन माइनस एक्स डिवाइडेड बाय वन प्लस एक्स का स्क्वेयर रूट, क्योंकि इसको हमने एक्सपेंड करके आगे लिखा है ना, तो ये वन माइनस थ्री बाई टू एक्स के इक्वल आ चुका है। और यही हमने यहाँ पर प्रूव करना था कि इसके इक्वल है ये, ठीक है। तो यहाँ पर मैं इस क्वेश्चन को जो है इस लेक्चर को ख़त्म करता हूँ क्योंकि लेक्चर का टाइम ओवर हो गया है, और उसके अलावा जो है क्वेश्चन नंबर फोर भी उसका एक पार्ट मैंने सॉल्व कर दिया है, बाकी पार्ट्स जो हैं वो आप खुद से ट्राई करेंगे क्योंकि बिल्कुल सेम वो पार्ट्स हैं, ठीक है, उसमें आपको कोई मुश्किल पेश नहीं आनी चाहिए। तो यहाँ पर इस लेक्चर को हम ख़त्म करते हैं।